हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू शुभ व्लॉग्स। एंड आज हमने अपनी KTM 390X के लिए मंगा लिए हैं क्रैश गार्ड्स। और कौन से क्रैश गार्ड्स मंगाया है वो मैं आपको दिखा दूंगा, डिटेल्स आपको दिख रही होंगी। तो ये हमारे हाइपर राइडर के टाइप 2 वाले, ठीक है ना। तो ये हमारे हाइपर राइडर टाइप 2। अब पता नहीं ये लगेगा कैसे, बट इतना है कि इसको हमें निकालना है और उसके बाद ये ओपन होगा, ये ओपन होगा, एंड देन उसके बाद इसको लगाया। अब यूट्यूब पे ट्यूटोरियल तो देख लिया, बट आपको पता है यूट्यूब पे देख के और रियल लाइफ में उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में बहुत डिफरेंट हो जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। बट ठीक है, कोशिश करेंगे, है ना, करने की। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो वो चार हमारे पास क्रैश गार्ड आए हैं, कुछ ये हमारे पास नट बोल्ट वगैरह दिए हुए हैं। लेट्स सी, विश मी लक। चलो भाई, कोशिश करते हैं लगाने की। तो भाई, अपने पास टूल किट तो है नहीं, तो जो KTM की तरफ से एक सस्ती सी टूल किट मिलती है उसी को यूज़ करेंगे। तो भाई, इसका यार मैंने एक बार स्क्रू ड्राइवर यूज़ किया था, वो आगे से छिल गया था। पता नहीं आज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट ठीक है, देख लेते हैं। बट भाई, काफ़ी हैवी सामान दे रखा है इन्होंने, काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, है ना। तो भाई चलो चेक कर लेते हैं, एंड अगर हो पाता है तो ठीक है। बाकी ये देखो, ये करेक्ट, मैंने इसको ना यूज़ किया था, देखो ये आगे से मुड़ चुका है। तो भाई सस्ती कंपनी का दे रखा होगा शायद, या मैंने शायद ज़्यादा जान लगा दी, बट ठीक है। चलो भाई इसको खोलते हैं, इसको ट्राई करते हैं। तो ये हमारा 5mm का, इसको बोलते क्या मेरे को नहीं पता, बट ठीक है भैया, ये हमारी नेटवर्क खोलने के लिए काफ़ी काम आता है। तो चलो अब खोलते हैं इसको। पसीने छुड़वा दिए भाई इस काम ने। ऑलराइट, तो भाई अपना काम लगभग फिनिश हो चुका है, एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत इसमें लग गई है। अभी पूरा हमने खोला हुआ है और लास्ट हमारा ये लगने वाला है, उसके बाद मैं दिखाऊंगा ओवरऑल ये कैसा लग रहा है, कैसे कैसे लगा है वो आपने थोड़ा बहुत देख लिया है ना। मेरी अभी भी सांसें फूल रही हैं, बट ठीक है, इतना है कि घर में लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ डिफ़िकल्ट है। एक बार ये पूरा लग जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ऑलराइट, तो ये वाला नट था जो खुल नहीं रहा था, तो इसके लिए फिर हमने सर्विस सेंटर में गए, वहाँ से ये खुला, क्योंकि ये खुलते हुए ना थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, प्लस इसमें ना एक गम लगा रहता है, तो फिर ये बाद में खुला और ये थोड़ा सा मैट फिनिश में आ रहा है तो बढ़िया लग रहा है। बाकी इधर ना एक चीज़ और थी, अगर आप देखोगे तो मैंने ये वाली चीज़ ना यहाँ पर लगा दी थी इधर, तो उससे हो क्या रहा था ना, जब मैं यहाँ पर अपना लेग रख रहा था तो फिर थोड़ा सा इशू आ रहा था, क्योंकि ना ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा लग रही थी बार बार। फिर मैंने नेट पे देखा, भाई ये चीज़ यहाँ नहीं, ये चीज़ यहीं पे लगती है, इसलिए इन्होंने ये जो ये ये बड़े वाले बोल्ट थे इसीलिए इन्होंने ये दिए हुए थे। तो फाइनली अभी बिल्कुल अपना परफेक्ट तरीके से लग चुका है और ठीक लग रहे हैं। आप बताओ कैसे लग रहे हैं ये। तो हाइपर राइडर के टाइप 2 390 एडवेंचर के लिए जो आते हैं ये वो हैं, तो कुछ ऐसा व्यू आ रहा है यहाँ से देखने से। तो ओवरऑल तो बढ़िया सा लग रहा है, देखो व्यू है ना, तो थोड़ा सा वाइड हो गई है अब बाइक, थोड़ी सी हमको वाइट दिख रही है, बट ठीक है, अच्छा लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा वेट एड ऑन हो गया तो ऐसा लगे कि थोड़ा भारी लग रही है, नहीं अभी तक तो मेरे को ऐसा लगा नहीं है, क्योंकि शायद काफ़ी टाइम से मैं इसको राइड कर रहा हूँ तो थोड़ा हैबिट भी हो गया इसको चलाने का, है ना।
बट ओवरऑल क्या इसका प्राइसिंग रहा है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप बताओ कैसी लग रही है ये, क्योंकि इसको लगाने में देखो थोड़ी सी मेहनत लगती है, पसीने तो छूट जाते हैं, क्योंकि भाई देखो जो मेन चेसी है ना उसके दो बोल्ट ओपन होते हैं, तो थोड़ा सा उसको लगेगा आपको ओपन करने में, बट ठीक है ओपन हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ना, सबसे मुश्किल जो होता है, देखो सबसे मुश्किल ना, जैसे इधर वाला तो ये बोल्ट है, आराम से हमारा हो गया, तो इजी तरीके से इसको खोला जा सकता है। पहले ये वाला पैनल खुलेगा, उसके बाद यहाँ पे एक बोल्ट होता है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो कौन सा है ना, वो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है ना, यहाँ पे सीधा नहीं जाता ये, तो या तो इसको निकाल दो आप, उसके बाद इसको ओपन करो, क्योंकि अगर इसको लगे लगे इसको ओपन करोगे ना तो ये टेढ़ा ओपन होता है। तो पहले इसको निकाल देना, ठीक है, उसके बाद इसको ओपन करना तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी आप बताओ ओवरऑल कैसी लग रही है हमारी मिस्टर एक्स। एंड उधर देखो यार कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, एकदम रेड कलर का है, माथे की बिंदी लग रही है बिल्कुल। तो ये है हमारी बाइक जो अभी बिल्कुल रेडी है। अभी मैं पीछे देख रहा था टॉप रैक के लिए प्लेट, बट मैंने अभी मंगाई नहीं है। आई डोंट नो मैं सैडल स्टे लगाऊंगा या फिर टॉप रैक के लिए लगाऊंगा, बिकॉज टॉप बॉक्स मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, देखो है ना, गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी सी हो जाती है। बाकी सैडल स्टे देखेंगे अगर क्योंकि हम जहाँ पे भी ट्रिप का प्लान करते हैं ना वहाँ पे ट्रैकिंग होती है, अब सैडल बैग के साथ ट्रैकिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो सैडल स्टे लगा के शायद हम हमारे बैकपैक की साइड में लगाने वाले हैं। तो अभी देखते हैं टॉप रैक लेते हैं या सैडल स्टे लेते हैं, जैसा प्रेरणा को भी ठीक लगेगा, जैसा मुझको भी थोड़ा ठीक लगेगा। अभी मैंने स्टडी भी नहीं कर रखी है, बट ओवरऑल बाइक कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इससे रिलेटेड तो भाई आप पूछ सकते हो मुझसे। बाकी ठीक है, तो व्लॉग में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।